हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट होमोलॉग लिखना, मतलब कि इसका नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा। पहला है C2H4 और दूसरा है C4H6। तो पहले हम लोग को फर्स्ट ऑफ ये और ये समझना होगा कि C2H4 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, C2H4 कहाँ से बिलोंग करता है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो C के साथ कितना है, 2। अगर N का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखे थे, और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 4 है। अगर हम 4 को ऐसे भी लिख दें 2N, ये बिलोंग कर जाएगा, और C की जगह पे अगर हम लोग N रख रहे हैं और H की जगह पे 2N रख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, वो एल्कीन का बन रहा है। ओके, तो मतलब कि हम लोग को ये एल्कीन के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो एल्कीन का C2H4 यहाँ पे CnH2n के बराबर, अगर n का वैल्यू बढ़ा दिया जाए, n का वैल्यू यहाँ पे 2 था, नेक्स्ट मेंबर होगा n का वैल्यू 3 वाला, और इस फॉर्मूला पर इसको पुट किया जाए तो ये हो जाएगा C3H2 × 3, तो C3H6। तो इसका जो नेक्स्ट मेंबर होने वाला है C2H4 का, जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा वो होगा C3H6। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी अपना सकते थे कि इसके होमोलॉग का जो होमोलॉग सीरीज होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है, तो CH2 हम लोग अगर इसमें ऐड कर देते तो हम लोग वहीं पे पहुंच जाते। अगर C2H4 में CH2 ऐड करते हैं तो C3H6 पे आप पहुंच जाओगे। तो ये इसका नेक्स्ट होमोलॉग सीरीज है। और दूसरा है C4H6, तो हम लोग को यहाँ भी समझना होगा C4H6 आता कहाँ से है, C4H6। यहाँ पे देखोगे अगर C के साथ 4 है तो N का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, और H में अगर 6 लिखा हुआ है, H=6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 − 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। 4 × 2 = 8, 8 में 2 माइनस कर देंगे तो 6 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग 4 की जगह पर n पुट कर दें, क्योंकि 4 और n इक्वल है, तो 2n − 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन के साथ n है और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ n प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के साथ 2n − 2 प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का। ओके, एल्काइन का, तो एल्काइन का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज जो होगा, n का वैल्यू यहाँ पे 4 था तो n का वैल्यू C4H6 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 था। अगर हम लोग को नेक्स्ट सीरीज लिखना है इसके बाद वाला, तो n का वैल्यू 5 लेना होगा। तो ये अगर इस फॉर्मूला CnH2n − 2 के फॉर्मूला पे पुट करें तो C5H2 × 5 − 2, C5H10 − 2, C5H8 हो जाएगा। ओके, तो या फिर आप दूसरा तरीका, C4H6 में आप CH2 ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका होमोलोगस सीरीज का जो डिफरेंस होता है CH2 का होता है, तो ये C5 और H8 हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट मेंबर होगा C4H6 के लिए वो हो जाएगा, अगर C2H4 के लिए देखोगे तो इसको ऐड करके हो जाएगा C3H6, और अगर यहाँ पर CH2 ऐड करके देखोगे तो ये हो जाएगा C5H8। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉल, थैंक यू।